हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत होने वाली है सीधा ही ग्रॉसरी शॉपिंग के साथ, क्योंकि मुझे ना अर्ली ग्रॉसरी शॉपिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि तब वो बिज़ी नहीं होते हैं स्टोर्स। आज मेरा प्लान है बनाने का स्टर फ्राई वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो चिली ऑयल एंड जैस्मिन राइस। बहुत लंबा समय हो गया है कि हमने नहीं खाया है। जब से मैं खाने को बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, वैसे तो मैं हमेशा से हूँ, पर जैसे मैंने वेजिटेरियन खाना शुरू कर दिया है, अर्लियर भी मैं बहुत ओकेजनली ही नॉन वेज खाती थी, पर अब बिल्कुल भी ना के बराबर ही हम लोग बाहर से खाना खाते हैं। सो अदरवाइज़ हम वंस इन अ वाइल वो चाइनीज़ फूड खाना पसंद करते थे, वो मैंने नहीं खाया है। सो उसको मिमिक करके हम आज डिनर बनाएंगे, चाइनीज़ स्टर फ्राई वेजिटेबल्स। एंड मैं कोशिश करूंगी कि मुझे ब्यूटीफुल एग्जॉटिक वेजिटेबल्स मिले, जिससे मेरी स्टर फ्राई बहुत ही खूबसूरत लगे। सो उस मिशन पे जाने वाली हूँ मैं। कुछ वेजिटेबल्स को इकट्ठा करेंगे एंड आज का डिनर होगा मज़ेदार स्टर फ्राई वेजिटेबल्स विद जैस्मिन स्टिकी राइस। आई डोंट नो अगर आपको मैंने बताया है या नहीं, पर हिम्मत की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। उसे हो गया था फीवर एंड सोर थ्रोट। अभी फीवर थोड़ा ठीक है, सोर थ्रोट भी, पर कफ हो गया है बहुत बुरा। एंड कफ की प्रॉब्लम होती है जब आता है, बहुत समय लेता है जाने के लिए। एंड दूसरी उसकी प्रॉब्लम है कि रात को सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, और यहाँ पर कोई ऐसे कफ सिरप्स होते भी नहीं है स्ट्रॉन्ग जो बच्चों को दे सके। सो एक बहुत ही प्यारी सी ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक जैसी इंग्रेडिएंट वाली दवाई मिलती है शॉपर से, वो पिला उससे मैं, अब वो थोड़ा ठीक है। सो वो घर पे ही है, फॉल की ब्रेक है बाय द वे। अभी ये ब्रेक में वो सिकनेस उसकी रिकवर हो जाएगी, एंड मुझे लग रहा है 2 और दिन रह गए फिर उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली है, वो स्कूल जाएगा। होपफुली तब तक उसका ये जो कफ है अच्छी तरह ठीक हो जाए। कफ के साथ बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, इतनी कोई चिंता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को तो हमेशा कफ रहता है, हिम्मत को नहीं रहता है, पर ये है कि रात को अगर अच्छी तरह सोएंगे नहीं तो स्कूल में फिर अगला दिन मजेदार नहीं जाता ना। पर या दैट्स गुड कि हिम्मत बीमार हुआ तो ये फॉल ब्रेक में, ताकि वो अच्छी तरह रेस्ट कर पाए एंड रिकवर हो जाए। अब वो वंस ठीक हो जाएगा तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों फ्लू शॉट ले लेंगे। लास्ट टाइम लिया था हमने। पूरा ये सीजन बीमार होने वाला हमारा सही निकला, हम बीमार नहीं हुए थे दोनों। सो इस बार भी जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम लोग फ्लू शॉट लेने वाले हैं। लेट्स गो नाउ। स्पेशल चाइनीज किंग जम्बो स्पेशल गजरा एशियन। एक पेपर टॉवल दो टुकड़ा है। ओके, सो हिम्मत के लिए बनाने वाली हूँ मैं चीज सैंडविच इटालियन मैरिनारा सॉस डाल के, क्योंकि वो नहीं खाएगा हमारी वेजिटेबल्स फॉर सम रीजंस। पर मैंने सोचा था कि, मैंने याद नहीं था मेरे पास ये बहुत ही प्यारी सी गार्लिक ब्रेड है, अगर ये नहीं होती तो फिर मैं उसे एग फ्राइड राइस बना देती, पर फिलहाल मी एंड हस्बैंड दोनों वेजिटेरियन हैं तो दिस गोना बी अ गुड ऑप्शन फॉर अस। ओके, सबसे पहले ब्रोकली को ब्लांच कर लेते हैं। सो ब्रोकली को ऐसे ब्लांच कर लेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा वो वाली सॉस नहीं है जो मुझे अच्छी लगती है, जड़ी मैं ज़्यादा ऐड करूँगी, पर ये एक कीको मैन की स्टर फ्राई सॉस है ओरिजिनल। वैसे मैं ना जो ऑयस्टर बेस्ड होती हैं वो मुझे उनके फ्लेवर अच्छे लगते हैं। तो देखें ये ब्रोकली का कलर कितना सोना हो गया, तो थोड़ी देर और करेंगे एंड देन हम तड़का लगाना शुरू करेंगे। इसमें मैं ना अनियन ऐड करूँगी, एंड मैंने बहुत ज़्यादा खूब सारा जिंजर एंड गार्लिक क्रश किया है, इसमें इसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा है। ब्रोकली को ब्लांच करेंगे, एंड ऑल्सो दूसरी चीज़ हम कर लेंगे थोड़ा सा जुकीनी को भी, बाकी चीज़ें ऐसे ही जाएंगी अंदर। आई होप कि अच्छा बनेगा, पता नहीं, बहुत लंबे समय के बाद बनाने वाली हूँ मैं। इसमें हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, ऐसे मैंने ना थोड़ा सा वो भी बनाया है, चिली ऑयल भी। सबसे पहले ऐड करेंगे हम खूबसूरत जिंजर एंड गार्लिक। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, अनियन ऐड कर देंगे जल्दी ही।
ढोकली मुझे लग रहा हो चुकी है। सो अनियन कुछ इस तरह के हुए हैं तो मैं इसमें पेपर ऐड कर दूंगी। बॉइलिंग वाटर में मैं थोड़ा जुकीनी को एंड कैरेट को भी करूंगी क्योंकि फिर स्टर फ्राई करते हुए ज़्यादा कुक नहीं करेंगे हम। गजरा भी अच्छी करनी है पर इन्हें मिल रहा था गजरा तो ज़्यादा टाइम लगना, सो इसके साथ मशरूम भी ऐड कर देते हैं। तो आपको जो भी सब्जियां पसंद है वो ऐड करें, इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करें, सोया सॉस ऐड करें एंड देन आप ये स्टर फ्राई ओरिजिनल कीको मैन की चाइनीज़ स्टाइल सॉस ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको हिंदुस्तानी स्टाइल स्टर फ्राई बनाना चाहते हैं तो एक चिंग्स की स्टर फ्राई सॉस आती है, थोड़ा सा उसको भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ी स्वीटनेस आ जाएगी। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है कि आप इसको थोड़ा स्वीट रखें, उसके लिए आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी कर सकते हैं या ब्राउन शुगर करें, वो मुझे लग रहा है कि मैजिक इंग्रेडिएंट है। तो बहुत सारे लोगों को शुगर फ्री चाहिए होता है। हिम्मत के ना सैंडविच को थोड़ा प्रेस कर। मैंने ना जासमिन राइस जल्दी जल्दी में प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आई होप ये अच्छे बने होंगे, थोड़े स्टिकी या बहुत अच्छे बने हैं। सो बेबी कॉर्न भी ऐड करेंगे, ब्रोकली भी कर देते हैं एंड अब सॉस ऐड करेंगे हम हमारी। सोया सॉस भी ना मैं कीको मैन ब्रांड की ही ऐड करूँगी, नॉट इंडियन स्टाइल। कैरेट्स मुझे भी ना थोड़ी सी चीनी करनी पड़ेगी एंड मेरे पास ब्राउन शुगर है। भाव मनोज सैंडविच ही दे दो, हो गया साडा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मूंगफली भी पा सकते अपने उसे पा लो। ओके सो स्टर फ्राई बनाने में बहुत कम समय लगता है, बस प्रेपरेशन करने में और चीज़ों को गैदर करने में ही समय है। और ये बहुत आई होप ये डिलिशियस बना होगा। और मैंने ना थोड़ा फैंसी तरीके से कैरेट्स को भी काटा है ताकि पति ना रेस्टोरेंट को मिस नहीं करे। अब उनको टेस्ट टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। प्लीज़ प्यारी एक बाइट खा के दस दे। हाँ गुड गर्ल दी लग दी है। ओ किससे भूखे नु रे जाया है ओथे अमलां दे होने ने ना बेड़े किसे ना तेरी जात पूछनी। बढ़िया बच्चा ब्रो। ओके ओके सो मेरी टर्न है, अभी मैं अपने लिए सर्व करूंगी। मिमी यू वांट टू सी व्हाट आई मेक टुडे? लुक गाइस, मैंने आपको कभी हंसाया है मुझे बताना। रोंदे प्यार ये तेनू ते मैं बहुत बारी रोंदे हसाया होना प्यार ये तेरी ते मैं जान आ प्यार ये रोंदी बाहरों आंदी हां मैं तेनू हसा देनी हां कड़े कड़ा बच्चा बाहरों क्यों रोंदा आंदा। हाय हाय यू ओके? रुको मैं कर दियां की करना मैंनू बाहर कड्डा आही अच्छे ते मेरा हाथ लगा फेन च। मेरा ना बहुत दिन से मन कर रहा था स्टर फ्राई सब्जियां खाने के लिए। जब हम टोरंटो में थे तो हम
केड़ा मॉल ही बस केरवान जाते थे वहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता था चाइनीज एंड उनकी चिली सॉस बहुत चिली सॉस भी है सो यस दिस इज लुकिंग सो गुड. कुछ साल पहले जब हम बहुत छोटा था लाइक एक साल का तो मैंने लगा हमारा थर्सडे का रिचुअल था कि हम लोग चिकन विद वेजिटेबल्स एंड कैश्यू नट्स हमेशा खाते थे हर थर्सडे बट नॉट एनी मोर. This is my chili something. सब्जियाँ आज ठीक है ना थोड़ी क्रंच भी है. ओके खाना बनाने में शायद थोड़ा कम समय लगा होगा पर गंध बहुत ज़्यादा मच गया है इसलिए मैंने एक बहुत ही प्यारा सा नटखट सा छोटू मंगवाया है सफाई में हेल्प करने के लिए. छोटू इसको एंड इसको रैप कर देना एंड फ्रिज में रख देना प्लीज़. छोटू काम करेगा छोटू कम बोलता है सो ये छोटे मोटे काम करने के लिए जो मैंने आपको बताया छोटू है वो छोटू नहीं है वो प्यारी है प्यारी प्यारी इधर आ इधर आ प्यारी इधर तो आ इधर रख दे प्यारी इधर आ प्यारी. गाइस ये मेरा छोटू प्यारी समझ गई. ओके सो हस्बैंड एक किस्म के काम से बचने वाले काम चोर किस्म के हैं पर या जो है वो है अब क्या करें. क्लीनिंग करते हैं एंड देन हम लोग ध्यान के लिए जाएंगे. किसी ने कहा है कि मैं ना मेरी वो सेल सिफोरा सेल से मैंने क्या क्या लिया है वो आपके साथ शेयर करूं. बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं चार पांच ली हैं पर यार आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मेरे पास जो पुराना मैंने आई थिंक लास्ट स्प्रिंग में लिया था वही सामान यूज़ नहीं हुआ है एंड मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक्सपायर होने से मुझे बहुत डर लगता है चीज़ें एंड जब एक्सपायर हो जाती है तो मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ इसलिए मेरी कोशिश है कि ज़्यादा चीज़ें ना लूँ. पर यार कुछ लिप प्रोडक्ट्स लिए हैं मैंने एंड एक अदा कम्प्लेक्शन की चीज़ ली होगी एंड मेरी फेवरेट सनस्क्रीन्स क्योंकि सनस्क्रीन को स्टॉप कप करने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ क्योंकि वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट और दैट्स अबाउट इट. यार ये बेल स्लीव्स है मेरी कोटी की एंड इसके साथ पांडे मांजना काफ़ी औखा काम है. सो बेसिकली आई एम डन विद किचन क्लीनिंग. आज मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ टू द पॉइंट क्लीनिंग करने वाली हूँ. इतना क्लीन है कि सुबह उठ के मुझे अच्छा लगे. लेटर थोड़ा सा इसको अच्छा खूबसूरत बनाएंगे. समय क्या हुआ है 8:17 हुए हैं. दो डिफरेंट समय इसलिए हैं क्योंकि हमारे माइक्रोवेव का सेंसर काम नहीं कर रहा. अगर आपको पता है कि उसको कैसे ठीक करना है तो ज़रूर से कमेंट बार में बताना. सो उसकी वजह से टाइम नहीं चेंज कर पाई मैं पर एक्चुअली टाइम 8:16 है एंड अब
मैं थोड़ा समय स्पेंड करूँगी क्रिसमस ट्री के पास बैठ के, एंड देन थोड़ा ध्यान करेंगे हम, एंड देन सोने के लिए जाएंगे। कल हिम्मत की छुट्टी है एंड हम दोनों थोड़ा लेट उठ सकते हैं, सो दैट्स अ प्लान। चीयर्स। सो यस, दिस ट्री लुक्स क्यूट। ओहो, रिबन्स कहाँ चेक करने का याद नहीं रहा, कल करेंगे। लुक्स क्यूट बाय द वे। आप लोगों ने क्रिसमस ट्री बना लिया ऑलरेडी? बताना मुझे। अगर आप नहीं बनाते हैं, क्या आपको क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मन कर रहा है? और नो, एक्चुअली थे ना दिस टू बिग गाइस आर टुगेदर, दिस गाइस सपोज टू बी इन द बैक।